बिटवा, ओ बिटवा, जल्दी उठ, कब से सो रहा है? अरे क्या हुआ ग्रहणी, इतनी जल्दी क्यों उठा रही हो? तुझे तो पता है ना, साल का सबसे खास त्योहार आने वाला है। हाँ ग्रहणी पता है, दिवाली आने वाली है। बिल्कुल सही, चल जल्दी कर, इम्पोर्टेंट काम शुरू कर देते हैं। ग्रहणी हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं क्या? अरे उससे भी इम्पोर्टेंट काम। शॉपिंग से भी इम्पोर्टेंट? हाँ। ओह नो, चल अब सफाई पे जुट जा। सफाई सिर्फ मैं ही करूँगा क्या, आप और ग्रैंडपा? अरे हम भी कर रहे हैं। बिटवा तुझे तो पता है ना मुझे दिवाली कितनी पसंद है। हाँ ग्रैनी, इस बार हम लोग दिवाली धूमधाम से मनाएंगे। मेरी तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। आने वाला है मेरा और आप सबका फेवरेट त्योहार दिवाली। बिटवा दिवाली पे किसको क्या गिफ्ट देना है कुछ समझ ही नहीं आता। हाँ ग्रैनी, इस बार मैं दिवाली में मोटे मोटे आलू बम जलाऊंगा, देख लेना। बुढ़ाओ तो एक नंबर का डरपोक है, अनार से भी डरे है। आया बड़ा पटाखे जलाने वाला। क्या जाना तुम भी। बिटवा इस बार हम कोई गिफ्ट खरीद कर नहीं लाएंगे। तो जो करमजली ने पिछले साल गिफ्ट देते वही इधर का उधर जेब देंगे। तूने पिछले साल के गिफ्ट संभाल के रखे है ना? हाँ ग्रैनी, उसकी आप फिकर मत करो। और बाबू तुम जल्दी से डेकोरेशन वाले को फोन कर दो। ठीक है जाना, अभी कर देता हूँ। जिसने पिछले साल गिफ्ट नहीं दिया था उसका नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ग्रैनी, ये तो आपने ठीक कहा, हमने ट्विंस को गिफ्ट भेजा था, उनके तरफ से कोई गिफ्ट नहीं आया था हमें। इनको तो बस फोकट का डकारना आता है, मुफ्त खोर कहीं के। ग्रैनी हमको दिवाली पे क्या क्या करना है? अलग अलग टाइप की मिठाइयाँ लानी है, सारे बंगलों की सफाइयाँ करनी है और नए कपड़े लेकर आने हैं। तो चल बिटवा तैयारियों में जुट जाते हैं। ओके ग्रैनी। सर जी आपके गिफ्ट आए हैं। हाँ? इधर सिग्नेचर कर दीजिए। और एक गिफ्ट खास भिजवाया है पोपट जी ने। चलता हूँ सर जी। थैंक यू, वेलकम। ग्रैनी ग्रैनी देखो हमें गिफ्ट आए हैं। ओह माय गॉड, स्लेंडरीना मिस्टी इविलन कंबक्तों ने मेरे गिफ्ट मुझे वापस भेज दिए हैं। और ये गिफ्ट किसने भेजा है बिटवा? ये पोपट अंकल ने भेजा है। अरे बाप रे, उसने जरूर सोन पापड़ी ही भेजी होगी। सोन पापड़ी? ओह नो। लेकिन आपको कैसे पता चला? क्योंकि ये कुत्ते की तुम पिछले 15 सालों से सिर्फ सोन पापड़ी ही भेज रहा है। लेकिन ग्रैनी सोन पापड़ी तो बहुत टेस्टी होती है ना। अगर तुझे सोन पापड़ी इतनी पसंद है तो किचन में 15 डब्बे पड़े हैं, जाकर ठूस ले। दिवाली पे बाय वन गेट वन मिले हैं तो सारे लोग एक दूसरे को यही चेपे हैं। मैं भी ऑफर में 4 डब्बे लाई हूँ पड़ोसियों को चिपकाने के लिए। अब स्वीट डिश में तुझे 1 महीने तक आइसक्रीम नहीं मिलेगी, सिर्फ सोन पापड़ी ही मिलेगी बिटवा। क्या? और कैसे हैं भैया जी? ऑल गुड मगरू भाई। क्या बात है भैया जी, आजकल आप बाहर दिखाई नहीं दे रहे। मगरू भाई दिवाली आ रही है ना, तो आपको पता दिवाली में कितना काम रहता है, बस उसकी तैयारियों में थोड़ा बिजी चल रहा था। शेम हेयर भैया जी, हम भी बहुत बिजी चल रहा हूँ। कहाँ? आपकी भाभी को दिवाली पे लहंगा चोली दिलाना है, लेकिन उसको कहीं लहंगा चोली पसंद ही नहीं आ रहा। क्या बात है मगरू भाई। भैया जी दिवाली की तैयारियों में हमारी कोई मदद चाहिए का? मगरू भाई मैं नाला साफ नहीं कर पा रहा हूँ, बस इसी में अगर मदद मिल जाती तो। डोंट वरी भैया जी, हम हूँ ना, हम कर दूंगा। ओह हाउ स्वीट ऑफ यू। चलो मगरू भाई मैं चलता हूँ। ओके भैया जी, सी यू। ओके टेक केयर, बाय बाय। बिटवा देख तो कौन आया है। हाँ हाँ ग्रैनी देख रहा हूँ। हाय बिटवा। अरे मिस्टी आंटी आप, हाउ आर यू? तुम्हारी ग्रैनी से कुछ काम है, उनसे मिलने आई हूँ। आइए आइए। थैंक यू। आइए आइए ब्यूटीफुल, आपका स्वागत है। और स्केरी टीचर कैसे आना हुआ हमारे घर में? मैं जल्दी बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, वो भी पटाखों का। वांटी पटाखों का बिजनेस, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तुम्हारे घर के आसपास बहुत सारे लॉन्डे लपाड़े रहते हैं, तुम कुछ
पाचा लहंगा को पटाखे जलाना कितना पसंद होती है। और हम इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं मिस्टी? मैं आपके बंगले के आंगन में पटाखे की दुकान खोलना चाहती हूँ। आपके घर आई हूँ आपसे परमिशन लेने के लिए। इससे हमारा क्या फायदा होगा? मैं आपको हर रोज दुकान लगाने का 500 रुपया रेंट दूंगी। यानी बहुत अच्छा ऑफर है, लपक लो। चलो ठीक है, मुबारक जी मुबारक। कांग्रेट्स, और बिजनेस के लिए ऑल द बेस्ट। कितने डफर लोग हैं, 500 रुपए में ही खुशी से उछल रहे हैं। इनको क्या पता मैं बहुत सारा पैसा छापने वाली हूँ। चलती हूँ, माल लेने जाना है, कल से मैं अपना बिजनेस शुरू कर दूंगी। सी यू, बाय आंटी। ये रहे आपके पच गोले। धन्यवाद मैडम, फिर आएंगे पटाखे लेने आपसे। अरे वाह मिस्टी, गर्दा मचा दिया। क्या बात है, एक ही दिन में मिस्ट्री आंटी का सारा माल बिक गया। चाचू बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, एक दिन में 10,000 की कमाई हुई है, उल्लाला। वाह मिस्ट्री, तेरी पांच उंगलियां तो घी में और सर कढ़ाई में है। वाह ऐश है मिस्ट्री आंटी की। अभी घर जाते वक्त मस्त खंबा खरीदूंगी और झकेटो से खाना ऑर्डर करूंगी। चलो मैं चलती हूँ चाचा। ओके बाय आंटी। बेटवा, क्या हुआ ग्रैनी? देख रहा है ना, हमारे घर में बैठ के मस्त पैसा छाप रही है और हम बस साइड में बैठ के तमाशा देख रहे हैं। वही तो ग्रैनी। बेटा, हम भी बिजनेस करेंगे। बिजनेस? हाँ, हम भी दिवाली का सामान बेचेंगे। ओके ग्रैनी, मैं अपने पुराने बॉयफ्रेंड मतलब होलसेल वाले को कांटेक्ट करती हूँ। अब हम भी देंगे मिस्टी आंटी को कांटे की टक्कर। खट्टू और कामचोरों को अपने बिजनेस में हाथ बचाने के लिए लेकर आई हूँ। अरे ये क्या है, तुमने भी अपनी दुकान खोल दी? तुम ऐसा नहीं कर सकते। वेलकम टू ग्रैनी की शॉप। क्यों नहीं कर सकते, ये मेरा घर है, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। ज्यादा चू चपट की ना तो तुझे तेरे सामान समेत तेरी चुटिया खींच के बाहर फेंक दूंगी। ओहो, तेरी तो चुटिया है ही नहीं। चलो लांजो काम पे लग जाओ, मेरे इनसे दुगनी कमाई होनी चाहिए। हाय मिस्टर डियर, मुझे पटाखे खरीदने हैं तुमसे। यू वेलकम हानी। ग्रैनी, ग्रैंडपा को तो देखो। बुढ़ाऊ, एक कदम भी उसकी दुकान की तरफ बढ़ाया ना तो तेरी टांगे तोड़ के तेरे हाथ भी दे दूंगी। जा कस्टमर्स के लिए चाय और समोसे का इंतजाम कर। सॉरी जाना, अभी करता हूँ। मिस्टी के पटाखे अच्छे पटाखे, प्यारे पटाखे, सस्ते पटाखे। हाय मिस्टी बेबी, मैं तुमसे पटाखे खरीदने आया हूँ। हाउ स्वीट डार्लिंग, प्लीज कम। अरे मिस्टर मीट अंकल तो मिस्टी आंटी के पास पटाखे खरीदने जा रहे हैं। बेटा कुछ भी कर ताकि वो पटाखे हमसे ही खरीदे। मुझे पता है तुम मुझे पटाखों पर मस्त डिस्काउंट दोगी। अरे पागल वागल है क्या, फिक्स प्राइस है, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेना है तो ले वरना कट ले। अरे दोस्ती होने का कुछ फायदा तो होना चाहिए ना। मिस्टर मीट अंकल। वेरी गुड बिटवा, उसे यहाँ बुला। हमारी दुकान से शॉपिंग करोगे तो आपको चाय समोसा मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा ऑफर है, जल्दी से मुझे कुछ पटाखे दे दो। क्या चाहिए? अनार के 2 पैकेट, फुलझड़ियाँ, हाँ? चक्री के 2 पैकेट, ओके? रॉकेट और आलू बम। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। बिटवा तूने तो कमाल कर दिया। अरे मेरे हाथ से मेरा कस्टमर निकल गया। ग्रैनी आज तो तगड़ी कमाई हो गई हमारी। तुमने मेरे से चीटिंग की है, ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। आंटी दिस इज बिजनेस। एवरीथिंग इज फेयर इन बिजनेस। अब तो देखती जा मैं तेरा धंधा कैसे चौपट करती हूँ। शुरू हो जाओ, आज मेरा ही माल बिकना चाहिए। मिस्टी के पटाखे रस्ते का माल सस्ते में। हाय गाइस, पटाखे लेने आई हूँ। अरे स्लेंडरा दीदी आई है, ये तो पक्का हमसे पटाखे खरीदेगी। स्लेंडरा दीदी, तुमने भी दुकान खोली है? और कैसी हो स्लेंडरा दीदी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है रे चटुआ? आप हमारे यहाँ से शॉपिंग करने आए हो ना? पगला गया है क्या, जो मुझे ज्यादा डिस्काउंट देगा मैं उसे से खरीदूंगी। अच्छा ये बता, सुतली बम कितने के हैं? 100 रुपए। क्या खरीदना है तुम्हें और वहाँ कितने के हैं? ऐसा झूठ बोल देती हूँ, सुतली बम चाहिए मुझे, वो 90 के दे रहे हैं। 90 के? चलो मैं तुम्हें 80 के दूंगी। छुटवा, वहाँ तो मुझे सुतली बम 80 रुपए के दे रहे हैं। ग्रैनी वो तो हमसे सस्ते पटाखे बेच रही है, क्या करें? तो बिटवा हम उससे भी सस्ते बेचेंगे। हम आपको 60 रुपए देंगे। मैं तुम्हें 55 में दूंगी। 50 रुपए में देंगे। मैं 40 रुपए में दूंगी। 30 में देंगे। कोई भी पटाखे ले लो 10 रुपीज ईच। अरे वो कमाल का ऑफर है, सुतली बम दे दो जल्दी से। बिटवा लोहा गरम है, मार दे थोड़ा। ठीक है ग्रैनी, काम हो जाएगा। हाय मिस्टी आंटी। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है बिटवा?
अरे डोंट वरी आंटी, मैं आपका ऐसा कंपेटिटर नहीं, मैं आपका कस्टमर बन के आया हूँ आपकी दुकान से शॉपिंग करने के लिए। वाओ, क्या चाहिए तुझे? एक काम कीजिए, आप मुझे सब कुछ पैक करके दे दीजिए। अरे वाह, मेरा सारा माल बिक गया। मिस जी आंटी, अरे इन्होंने तो मुझे चूना लगा दिया, मैं बेवकूफ सस्ता माल करके अपना नुकसान करा बैठी। नजर हटी, दुर्घटना घटी। अरे चिचिया क्यों रही है, हमें जैसे ही ऑफर मिला हमने लपक लिया। ये देखिए सबसे बेस्ट क्वालिटी की फुलझड़ियाँ, ऐसी फुलझड़ियाँ आपको कहीं नहीं मिलेंगी। बड़े भीम के पटाखे हैं। अरे ये देखिए बड़ा भीम के पटाखे भी है हमारे पास। मुझे कोई मस्त सा अनार दिखा दो। और ये देखिए बड़े भीम का अनार। ब्रो मुझे मस्त सी चक्री दे दो। एकदम मस्त चक्री है, मजा आ जाएगा जलाएंगे तो। जल्दी से सामान पैक कर दो। हाँ अभी पैक कर देता हूँ। तुम्हारी दुकान के पटाखे तो लल्लन टॉप हैं। फिर आइएगा। वाह बिटवा, हमारे तो सारे पटाखे बिक गए। बर्बाद हो गए। डोंट वरी, मैं इन पैसों से दिवाली की धमाकेदार पार्टी दे रही हूँ, तुम भी दिवाली पार्टी में इनवाइटेड हो। ये बोल के तुमने मुझे खुशम खुश कर दिया। सी टुमारो, सायोनारा। कल तो दिवाली पार्टी में मजा आ जाएगा। हैप्पी दिवाली ग्रैनी। हैप्पी दिवाली। अलीले कितना प्यारा लग रहा है मेरा बिटवा। थैंक यू। चल बिटवा जाकर दिए लगा देते हैं, मेहमान भी आते ही होंगे। हाँ चलो। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी दिवाली छोटुआ, लक्ष्मी की कृपा तुझ पे बनी रहे। हैप्पी दिवाली ब्रो, क्या शानदार पार्टी रखी है आप लोगों ने। इस बार की दिवाली तो सबसे बेस्ट है। सही कहा बाबू, इस बार की दिवाली पार्टी में तो मजा ही आ गया। बेस्ट दिवाली एवर। बच्चा लोग, पटाखे जलाने हो तो बड़ों की निगरानी में ही जलाना। लव यू ऑल। आप सभी को मेरे ग्रैनी ग्रैंडपा की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। लव यू ऑल, हैप्पी दिवाली। हाय गाइस, हैप्पी दिवाली। आई होप आपको ग्रैनी ग्रैंडपा और बिटवा के साथ दिवाली सेलिब्रेट करके खूब मजा आया हो। तो फटाफट से मोहक मी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आप दिवाली किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मी।